नाज़रीन, इस वक्त में साथ मौजूद हैं काशी बराल साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो ड्रामा है मौजूदा, इनके हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ड्रामा दिल लगी चोरनी में आपका क्या किरदार है? दिल लगी चोरनी में मेरा किरदार है कि मैं हीरो का किरदार कर रहा हूँ, जो कि शादीशुदा है ऑलरेडी लड़की, ठीक है। तो अपने किसी की बीवी को आप अपनी बना लेते हैं? नहीं, वो शुरू से मेरी होती है, तो वो उसकी शादी उसके अगेंस्ट होती है। अच्छा, शुरू से मुझे बताएं कि कब से कितने साल? दिखाया ये गया है कि वो ना बचपन से मेरे साथ प्यार कर रही है, मैं उसके लिए बाहर के मुल्क कमाने के लिए गया हूँ ताकि आकर शादी करेंगे, लेकिन मेरे आने तक उसके बाप ने उसके ज़बरदस्ती ज़ोर से करके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शादी कर दी। ये रियल में आप बचपन से प्यार करते हैं कि ड्रामे में बस बचपन में आया है? ड्रामे में दिखा रहे हैं, रियल में क्या मतलब, छीले जो प्यार करीदा? वही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बचपन से मैं प्यार करता हूँ, तो मैंने कहा आपने प्ले दिखाया है। अच्छा, अंडरस्टूड। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, तो फिर आखिर में क्या होता है आपका जो मिशन है किसी की बीवी को अपना बनाना, वो कामयाब होता है या नहीं होता है? नहीं, बेसिकली मैं एंड पे यही जाहिर करता हूँ कि जो बीवी होती है ना, अच्छी बीवी कभी भी अपने खामद को धोखा नहीं दे सकती, तो वो मेरे साथ भागने की तैयारी करती है तो मैं उसे ना कर देता हूँ कि नहीं भाई मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम लिहाजा अपने बंदे से सुलह करो, फिर वो सुलह करती है। यानी कि आपके ड्रामे में ये कहना है कि बीवियाँ मतलबी हैं और जो आदमी है वो मतलबी नहीं है? बीवियाँ मतलब ही नहीं होती, सीक्वेंस को देखना होता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये है कि वो बचपन से ऑलरेडी ही प्यार कर रही है किसी से, ज़बरदस्ती शादी हुई है, ये सीक्वेंस है, वो मतलब ही नहीं थी ना। बीवियाँ मतलब ही होती हैं, अच्छी बीवियाँ अच्छी ही होती हैं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ काशी बराड़ साहब। नाज़रीन और बाकी एक्टर से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं।